भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू साल 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए। कनाडा, चिली, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, फिलीपींस, रूस, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन के प्रतिनिधि इस पैनल में शामिल हैं। यह पैनल संयुक्त राष्ट्र सचिवालय फंड कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों के खाते ऑडिट करता है। गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त हुए। वह 20 नवंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। वह मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक भी चुने गए थे। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। 21 नवंबर 1959 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेतनोती गांव के एक संथाल परिवार में उनका जन्म हुआ था। उत्कल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने के बाद इंग्लैंड की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली, फिर 26 साल की उम्र में IAS बन गए थे।